जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म पर बायोपिक बनाई गई थी, जहां पर इस बायोपिक में नजर आए थे लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने काफी उम्दा तरीके से धोनी का किरदार एम एस धोनी फिल्म में निभाया था। ऐसे में अब खबर है कि एम एस धोनी के बाद अब एक और क्रिकेटर महिला है जिनकी जिंदगी पर एक बायोपिक बनेगी। दरअसल इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस खास मौके पर तापसी पन्नू की नेक्स्ट फिल्म शाबाश मिट्टू का नया पोस्टर रिलीज किया गया। शाबाश मिट्टू भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान मिताली राज की जिंदगी पर आधारित होगी। इससे पहले फिल्म 4 फरवरी को पर्दे पर रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते तारीख को आगे बढ़ाया गया और फिल्म के डायरेक्शन में श्रीजीत मुखर्जी ने किया। फिल्म नायक देवी का पहला लुक भी रिलीज किया गया। इस फिल्म को 12वीं की सदी की भारत की पहली महिला योद्धा की जिंदगी पर बनाया गया है। फिल्म में खुशी शाह नायक देवी की भूमिका निभाएंगी। फिल्म का डायरेक्शन नितिन जी ने किया है। एंटरटेनमेंट के बैनर तले उमेश शर्मा की फिल्म को डायरेक्ट किया जा रहा है। फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया है, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। ऐसे में विद्या बालन की फिल्म जलसा भी बहुत जल्द रिलीज होगी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा अगर बात हो रही है तो वो है शाबाश मिट्टू को लेकर। जी हाँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर तापसी पन्नू की फिल्म आने वाली है, जिसमें वो इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन रही मिताली राज की जिंदगी पर आधारित फिल्म को बनाने वाले हैं, जहां पर मिताली राज की रियल जिंदगी को आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि कितनी स्ट्रगल के बाद मिताली राज वुमेन्स टीम की, इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन बनी और किस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान पूरे देश भर में बनाई। नेक्स्ट सन लाइफ की रिपोर्ट।